अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले देवी माँ ने मेरी सुन ली है। एक आदमी वहाँ बैठा हुआ था, वो वहाँ नहीं है। बेचारे का सामान भी यहाँ रह गया है। आज तो हेलो हेलो सिमरन हेलो डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। क्या वो ब्लास्ट वाली बस में थी? जी जी जी। प्लीज आप अंदर जाके चेक कीजिए, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोग रुकिए, मैं भी। एक्सक्यूज मी, वो ब्लास्ट के जो पेशेंट्स डॉक्टर, आई एम लुकिंग फॉर माय वाइफ एंड माय डॉटर। प्लीज बाहर पता कर लीजिए, प्लीज बाहर। एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर आई एम लुकिंग फॉर माय वाइफ, डॉक्टर सिमरन माथुर और बेटी उनकी। पेशेंट्स के बारे में आप ऑफिस से पता कर लीजिए, क्योंकि जितने सारे सीरियस पेशेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स देकर वहाँ से नाम और पता चल रहा है, तो प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर सिमरन माथुर उनके साथ में। प्लीज कंफर्म इट आउटसाइड, प्लीज। बाहर कहाँ पर? वेट अ मिनट, व्हाट यू सेड? डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर सिमरन माथुर एक उनकी बेटी भी है सर। फेमस गायनेकोलॉजिस्ट। या एग्जैक्टली, शी इज 5'3" लॉन्ग हेयर, उसके पहले यहां पे। आई थिंक दैट इंजर्ड वुमन इज डॉक्टर सिमरन। कहां पे वो? अभी तो बेहोश है वो, क्योंकि बेहोशी के आलम जब उन्हें लाया गया तो वो आस्था आस्था जरूर बड़बड़ा रही थी। एंड आफ्टर दैट शी लेफ्ट, शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस। दैट्स ओके, बट वो है कहां पे? जस्ट वेट अ मिनट डॉक्टर, इनके हार्ट बीट चेक करते रहिए और इनको ब्लड लगाइए। यू प्लीज कम विद मी। कहां? प्लीज कम विद मी, प्लीज। Please. Is she Dr. Simran? Please don't touch her. आप थोड़ा दूर रहें। How is she? Yeah, she is very much out of danger. Don't worry about it. ये ठीक हो जाएगी ना? She is fine.
लेकिन हमने इनका बीपी चेक किया था, इट्स वेरी हाई। मम्मा को होश कब तक? हर कंडीशन इज क्रिटिकल, लेकिन जो जरूरी मेडिकेशंस थी वो हमने दे दी हैं। बाकी जब तक इन्हें होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर, आप इनको किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं प्लीज, यहाँ से? Definitely. I'll shift her in the special room. Thank you. एक छोटी बच्ची थी इनके साथ, वो बेटी है मेरी, इनके साथ में थी वो। देखिए, जब तक ये होश में नहीं आते हम कुछ नहीं कह सकते। आप प्लीज बाहर आइए मेरे साथ, प्लीज। कहाँ जा रहे? आप प्लीज बाहर आइए। बेटा, आस्था के पास ही लेके जा रहे होंगे हम। देखिए, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर, she's 5'3", लॉन्ग है, स्लिम। आप देख चुके हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। हमें कुछ भी पता नहीं है उनकी आइडेंटिटी। उसके तिले यहाँ पे, पापा बताइए ना, उसके तिले, उसके लॉन्ग हेयर एंड शी इज 5'3". आप हमें उसके पास लेकर चलिए तो हम पहचान लेंगे उसको खुद ही। देखिए, जितने भी सर्वाइवर्स हैं जो उस बस में थे, उनका ये मानना है कि लेडी डॉक्टर के साथ एक लड़की भी थी। और वही लड़की बैग उठाकर ड्राइवर को देने ही वाली थी कि ब्लास्ट हो गया। तो कहाँ कहाँ है? चलो पापा, चलो उसको ढूंढते, पापा चलो उसको ढूंढते, यही है वो, चलो उसको ढूंढते। तो वही है कहाँ वो? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि उनका एक आदमी पर शक है, जो कि वो बैग उस बस में छोड़कर अचानक लापता हो गया, और उस लड़की ने वही बैग उठा लिया। अरे क्या आप लड़की लड़की की जा रहे, पूछ रहा आपको है कहाँ वो लड़की? उसकी बॉडी हमें नहीं मिली। बॉडी नहीं मिली? कैसे? पापा, हमने पापा से बात की थी ना, पापा आस्था से नहीं की थी, पापा आस्था बस में नहीं थी, वो यहीं पे। क्यों रही है बेटा? साहब, बाई किधर है? हाँ, बोलो ना, क्या हुआ सिमरन को? क्या हुआ बेटा? अभी तू बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ सिमरन को? बेबी बोलो ना, मामाई किधर है? सिमरन क्रिटिकल है थोड़ी। बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ आस्था को?
आस्था नहीं। शिरडी जाने वाली बस में बम ब्लास्ट हो गया सर। बम विस्फोट में डॉक्टर सिमरन घायल और बेटी आस्था की मौत। But this is not possible. सिमरन आंटी अपनी गाड़ी में गई थी। इतनी बड़ी खबर झूठी नहीं हो सकती सर। हम लोग बम ब्लास्ट विक्टिम को कवर करने आए हैं। कवर करना है तो हॉस्पिटल के बाहर जाकर कवर करिए। देखिए हम डॉक्टर सिमरन के एक्सीडेंट को कवर कर रहे हैं, इट्स ऑलरेडी इन द न्यूज। आप लोगों के कोई एथिक्स वगैरह है कि नहीं? प्लीज गो आउट, प्लीज गो आउट ऑफ द हॉस्पिटल, प्लीज जस्ट गो अवे, प्लीज गो, प्लीज प्लीज मैम, प्लीज जस्ट गो, प्लीज जस्ट गो हॉस्पिटल के बाहर, जो भी करना है कवर 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 इट। संभालो प्लीज। सिद्धार्थ मम्मा को अभी तक होश नहीं आया। मैं देख कर आता हूँ। I'll just talk to the doctors. अंकल कहाँ है? कल रात को उन्हें फिर से हार्ट अटैक हुआ। भगवान इस सदमे को बर्दाश्त करने की शक्ति सबको दे। MRI स्कैन? We don't have that facility. मैं इनको अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहता हूँ। I need a complete checkup done. That's fine, लेकिन पहले इन्हें होश में तो आने दीजिए। Although her vital organs are functioning properly, लेकिन जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता, we cannot confirm anything. Her blood pressure is quite high. Yes, and we are trying our level best to stabilize it. मैंने ambulance arrange कर दी है। इनके होश आते ही, I'd like to shift her to Mumbai. I must say, doctor, इतनी कम facilities होते हुए you all have done a very competent job. I'll be right here. If you need anything, let me know. Thanks a lot. Chabi ne yahan admit kiya gaya tha, toh hume malum hi nahi tha ki ye Dr. Simran hai. Wo doctor ne to isko zindagi di hai sir, aur shayad mujhe bhi bachaya hai. अचानक से मेरे पेट में बस में दर्द होने लगा, उन्होंने मेरी बस में डिलीवरी करवाई। और उनको ही ऐसा, उनको कुछ नहीं होगा साहब, उनको कुछ नहीं होगा। इसकी डिलीवरी के लिए तो उन्होंने सबको बस से बाहर निकाल दिया। हम डरे हुए थे, हमें ढांढस बधाया। वो इतनी बड़ी डॉक्टर है, हमको पता नहीं था। जिन्होंने मेरी गोद भरी साहब, उनके खुद की गोद उजड़ गई। हमारी प्रार्थना है
हम दुआ करेंगे भगवान से उनको कुछ नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, सिमरन आंटी को बहुत जल्दी होश आ जाएगा। कमरा वहां सारे लोग हैं जो दुआएं कर रहे हैं तुम्हारे ठीक होने के लिए। इतने सारे लोगों की दुआएं जाया हो जाए ये ठीक नहीं है ना। तुमने तो इतने लोगों को जिंदगी दी है सिमरन, तुम्हारा तो हक बनता है जीने का। सिमरन कुश्ती तो हम ही लोगों के लिए वापस आ जाओ। सिमरन ये जितनी परेशानियां जितना दुख हम लोग झेल चुके हैं ना वो बस हो गया। सिमरन तुम नहीं आई अगर सिमरन तुम ज्यादा हो जाएगा। सिमरन मैं अभी सिमरन मैं हूं यहां पे। सिमरन ठीक है सिमरन।